नई किताब में ये 1700, ठीक है, ये नई किताब में 17 नंबर पे और पुरानी किताब सवाल में 18 नंबर पर है, सेम प्रश्नावली। उसने कहा अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए कॉमा बी, अक्षों के बीच रेखाखंड, बातों को समझो, क्या कहा इसने, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए कॉमा बी, अक्षों के बीच अंतःखंड कैसा आएगा, देखो पहले हम बनाएंगे अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई एक्स की ओर, और एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा एक्स एक्स को ए पे काट रही है, वाई एक्स को आगे बी पर काट रही है, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्स को ए और वाई एक्स को बी पे काट रही है तो ये कह रहे हैं अक्षों के बीच पीछे वाले बैठे, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु पी है, ये कुर्सी उठा के नीचे रखो, ठीक, अक्षों के बीच कटा अंतखंड, ये है अक्षों के बीच का खंड, इसका मध्य बिंदु कितना है P, निर्देशांक A, तो रेखा का समीकरण ये होगा, दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए, रेखा का समीकरण ये है x बटे a + y बटे b, ये हमेशा, तो अगर ये अक्षों के बीच कटा अंतखंड ये a कॉमा b है तो मैं मान लेता हूँ ये दूरी k है और ये दूरी h है, माना ये आकर शुरू होगा ओ के बराबर k, ये h शुरू और ये k और ओ बी बराबर, सर सरल रेखा का अंतखंड रूप बताया था मैंने आपको, ध्यान है नहीं, कोई बात, अगर ये दूरी h है तो इस बिंदु पर निशान कितना होंगे, h का मान, ये दूरी k है तो इस बिंदु पर निशान कितने होंगे P, उसने कह दिया कि किसी सरल रेखा द्वारा अक्षों के बीच अंतःखंड कटता है तो अंतःखंड कहते हैं इसे ए बी, इसका मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक है ए कॉमा बी, तो आप कहेंगे कि P जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, और अगर ये ए बी का मध्य बिंदु है इसका मतलब कि ये हुआ P ए कॉमा बी मध्य बिंदु सूत्र लगाया जाए एच प्लस जीरो बटे दो कमा जीरो प्लस के बटे दो, बात समझ आई नहीं, अगर ये मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, एक्स निशान को जोड़कर दो से भाग करो कमा वाई निशान को जोड़कर दो से भाग करो, यहाँ से ए का मान कितना आ गया एच बटे दो और बी का मान कितना आ गया ए बटे दो, एच बराबर कितना आ गया दो ए और के बराबर कितना आ गया एच बराबर दो ए और के बराबर दो, सरल रेखा का अंतखंड रूप याद है किसी को, उसका वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि हम लोगों ने टेबल पर स्टडी की थी उस दिन, तो सरल रेखा का अंतखंड रूप आप आज के बाद याद रख लो, वो था x बटे x अंतखंड प्लस y बटे y अंतखंड बराबर सरल रेखा का अंतखंड रूप ये था x बटे x अंतखंड प्लस y बटे y, ये याद रखना, तो इसमें कोई सोच विचार की बात नहीं, x बटे x अंतखंड कितना है h वाला कितना है h y बटे c बराबर है x बटे x का मान कितना निकला प्लस y बटे दो से गुणा कर दो एक तो सत्तर ना अगला सवाल, एक्स पहले सवाल से शुरू करो, पहला सवाल कह रहा है एक्स एक्स और वाई एक्स का समीकरण लिखो, क्या होता है एक्स एक्स का समीकरण, वीडियो भेज दी मैंने, एक्स एक्स का समीकरण होता है वाई बराबर और वाई एक्स का समीकरण वो है एक्स बराबर जीरो, क्योंकि समीकरण वो होता है जो उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करे, एक्स एक्स के प्रत्येक बिंदु पर वाई कितना होता है जीरो,
तो आप एक्स से कोई भी बिंदु उठा लो, ठीक है, उस पर वाई कितना मिलेगा आपको, जीरो। ऐसे एक्स वाई एक्स पर कौन जीरो होता है, एक्स जीरो होता है। दूसरा सवाल, मेरा रेखा का समीकरण क्या करो जिसकी ढाल कितनी है, एक बटा दो, और बिंदु चार कमा माइनस तीन से क्या करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। सभी सवालों के लिए लिखते हैं, और वो रेखा का समीकरण जिसकी ढाल कितनी है, एक बटा दो, और किस बिंदु से होके जाती है, चार कमा, यानी हमें ढाल दिए और बिंदु दिया है, तो रेखा का बिंदु परिवर्तन रूप था क्या, वाई माइनस वाई वन बराबर एम गुणा एक्स माइनस एक्स वन, इसको मैंने सिद्ध भी करा, ठीक है। तो एक्स और वाई वन क्या है यहाँ पर, बिंदु, और एम क्या है यहाँ पर, ढाल। तो एम बराबर दिया है एक बटा दो, तो एक्स वन कॉमा वाई वन जिस बिंदु से रेखा होकर जाती है कितना, चार कॉमा वाई वन, कुछ इस तरह की कहानी है, रेखा चार कॉमा माइनस तीन से होकर जाती है और इसकी जो ढाल है एम कितनी है, एक बटा दो, तो वाई माइनस वाई वन यानी प्लस तीन बराबर एम थोड़ा एक्स माइनस, दो वाई प्लस छः बराबर एक्स माइनस चार, एक्स माइनस दो वाई माइनस दो बराबर, सरल रेखा का। ये क्या करना है, ये आपको याद करना है कि जब किसी रेखा की प्रवणता आपको दी हो तो बिंदु दिया हो तो समीकरण ये होता है, वाई में से वाई वन घटाओगे, एम गुणा एक्स में से एक्स वन बराबर, क्लियर हो गया बात, याद रखें। अगला सवाल है, तीसरा कुछ करोगे, चौथा, चौथे सवाल में कह रहे हैं बिंदु दो कॉमा वर्गमूल दो वर्गमूल तीन से जाने वाली तथा एक्स अक्ष से 75 डिग्री पर झुकी रेखा का पहला चित्र बनाओ। कुल मिला के इस तरह की स्थिति है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, कोई सरल रेखा है तो किस बिंदु से होकर जा रही है, दो कॉमा दो वर्गमूल तीन, और एक्स अक्ष किससे भी रेखा बना रही है, तो सरल रेखा का समीकरण अगर बिंदु प्रवणता रूप से निकालूं तो बिंदु तो दिया है, कौन ने दी प्रवणता, प्रवणता क्या होती है, ये तो परिभाषा से आप जानते हो, अगर एक्स अक्ष से परिक्रमण 75 डिग्री है तो प्रवणता हो जाती है टेन थीटा, टेन थीटा का मान निकाल दो, टेन 45 प्लस 30, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन सरल कर लोगे आप, जितना कर सकते, कोई समस्या,
अब इधर लिख लेते हैं, ये दो ऐसे लग जाएगा, वाई ये